दादाजी कह रहे थे कि इनकी दाल निकल रही है। अरे 10 साल से इन्हीं की सरकार है बीजेपी की, दाल किसकी कर रही है? मतलब 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, मतलब इनकी दाल निकल रही थी। भाजपा में बस लिए हमारे पूर्वजों ने कांग्रेस भाजपा को नहीं चुना। आप एक बार सोचिए तो क्या होता है मीडिया पे। रमेश कुमार भी पत्रकार थे, रमेश कुमार का इनने बहिष्कार नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने? आप बताइए, नहीं किया क्या भाई? उसने कभी अच्छा बोला ही नहीं। अपनी मर्जी से नहीं, दबाव डालते हैं, प्रेशर करते हैं, ईडी सीबीआई इनका प्रयोग किया जाता है भारतीय जनता पार्टी में। बिल्कुल सही किया, जो भी किया बहुत अच्छा किया, नहीं जाना चाहिए। देश के पूरे धर्मों को अपमान किया जाता है, हिंदू मुस्लिम किया जाता है, एक को भगवा बना देते, एक को सफेद बना देते, एक को टोपी बना देते और लड़वाया जाता है। हम आम जनता बेवकूफ बनती है क्या? नहीं, हम भी, हमें भी हिंदुत्व जागता है। ये कुछ भी नहीं कर रहे, देश को तोड़ रहे, देश की एकता को तोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन वो भी गोदी मीडिया। ये अंजना ओम मोदी है, आप पत्रकार हैं, आपने एक बार सुना होगा ना, इन्हें क्या अंजना ओम मोदी, ये मोदी भक्त है, ये चाटुकारी कर रहे हैं। आप ये बताइए, चैनल कैसे चल रहा है? ये चैनल चल कैसे रहे? बड़े बड़े चैनल, इनकी टीआरपी कैसे चल रही है? ये कैसे पैसा कमा रहे? इनको सरकार चला रही है, अंडानी और अम्बानी चला रहे हैं ये बड़े बड़े चैनल पूरे बिकाऊ है, बिकाऊ। आप ये बताइए, आपको किसी मुसलमान से खतरा है? आपको खतरा है? आप बताइए, आपको खतरा है किसी मुसलमान से? कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? मुस्लिम जाते जहाँ होते हैं, हिंदू जाते हैं।